तो हम लोग अभी हैं ब्रोकन बीच पे और यहाँ पर से हम लोग को जाना है एंजल विला जो कि पास में ही है। तो मैं दोनों का सिनेमेटिक शॉट अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, चलिए चलते हैं। मैं तो क्लिंकिंग बे का एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी दिखाने वाला था, है ना? एक्सपेक्टेशन यार, ये एक्सपेक्टेशन ना काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन एकदम टॉप पे होना तो निराशाजनक होने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती है, और हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। खैर अभी तक तो हमें मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, बट हम बस वहाँ की खूबसूरती में खोकर नीचे की ओर चलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो लगा यार हम लोग काफ़ी आसानी से नीचे ट्रैक करके चले जाएंगे, बट यार एक टाइम के बाद सीढ़ियाँ भी ख़त्म होने लगी थी और हम लगभग 60% नीचे आ चुके थे, और वहाँ से ऊपर जाना भी एक गलती होता। तो हम लोग पिछले आधे घंटे से यहाँ उतरने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग अभी तक नीचे तक नहीं जा पाए। शर्ट पूरा भीग चुका है, हालत पूरा ख़राब हो रखता है सबका, बट यार ये ट्रैक काफ़ी हार्ड है। सच बताऊँ तो अब गिव अप कर देने का मन कर रहा है, बट आधा घंटा और ऊपर जाना होगा, इसलिए नीचे आ गए, थोड़ा रेस्ट लेके एक दो घंटा फिर ऊपर आने का सोचा मैंने। ऊपर से मेरा कैमरा का बैटरी लो गया, तो ये मैं गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही होगी आप लोगों को, सांस भी काफ़ी फूल रहा है यार। फक, लाइफ का सबसे हार्डेस्ट ट्रैक है मेरा ये वाला, पैर सूज गए पूरे, कैसा लग रहा छोड़ो। ओके मैन, फाइनली इतनी देर बाद थोड़ा सीधा रास्ता आया और मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका है, किसी भी वक्त मैं ब्लैकआउट हो सकता हूँ। डैम, सोचा नहीं था क्लिंकिंग बे का रास्ता इतना ज़्यादा हार्ड होगा, बट यार अब क्या करूं, एक बार जब ठान लिया तो करना ही है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हैं हम लोग। अरे यार ये देखो, यहाँ से अब हम नीचे कैसे जाएंगे? एनीवे अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप डायरेक्ट नीचे गिर सकते हो। ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, 10 मिनट का ट्रैक और है। तो हालत ख़राब हो रहा, बहुत गंदा। हम लोग लिटरली रेडी वेडी होके आते हैं, यहाँ पिक्चर्स लेंगे, बट हम लोग का हालत आप देख सकते हो बहुत गंदा है, बहुत गंदा हो चुका है यार। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा, बट नीचे आना लाइफ में दोबारा आप कभी नहीं करना मांगूंगा। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग बीच पर पहुँचे। आई नो कि मैं यहाँ दोबारा नीचे आने का कभी सोच भी नहीं सकता, बट यार
इस पल को मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल भी नहीं सकता, क्योंकि यार सच बताऊं तो मैंने ऐसा जगह सिर्फ दो जगह देखी थी, जो थी फिल्मों में और सपनों में। Let's go.